ऑलराइट, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नो की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले एक और नए 5G स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि टेक्नो की तरफ से टेक्नो केमॉन 30 सीरीज बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। मल्टीपल स्मार्टफोन्स आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। कल वाले वीडियो में हमने बात करी थी टेक्नो केमॉन 30 प्रो के बारे में। अगर वाला वीडियो आपने नहीं देखा है एंड देखना चाहते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाकर के जरूर से चेकआउट करना। आज की वीडियो में बात करते हैं टेक्नो केमॉन 35G के बारे में। ये जो स्मार्टफोन है मिड रेंज का स्मार्टफोन रहेगा, सारे स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में बात करते हैं इसी स्मार्टफोन से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या माल मसाला रहेगा, क्या फीचर्स रहेंगे, क्या प्राइस पॉइंट रहेगा, सारी चीज डिस्कस करते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि एंड ऑफ द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड गाइस ऐसे ही कंटेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बात करते हैं फोन के बारे में, स्टार्ट करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन दोनों चीजें आपको बहुत अच्छी मिलेगी। ये जो फोन है दो वेरिएंट्स में आपको मिलेगा, एक में आपको ग्लास बैक देखने के लिए मिलेगा, दूसरे वेरिएंट में आपको इको लेदर वाला बैक मिलता है। प्लास्टिक का फ्रेम यहां पर आपको मिलेगा, ग्लास फ्रंट रहेगा, साथ ही साथ IP54 की रेटिंग भी यहां पर आपको मिलेगी। तो बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। डिजाइन की अगर बात करें, गुड लुकिंग स्मार्टफोन है भाई। बैक पैनल से अगर आप देखेंगे टॉप लेफ्ट में सर्क्यूलर कैमरा कटआउट दिया गया है, जिसका डिजाइन थोड़ा सा जूम रिंग वाले शेप में दिया गया है, जहां पर आपको दो कैमरास की हाउसिंग मिलती है, एलईडी फ्लैश आपको मिल जाता है, टेक्नो की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे सेंटर पंचोल वाला डिस्प्ले दिया गया है, सेंटर पंचोल है, पतले से बेजल्स हैं, पतली सी चिन आपको मिलती है। एंड कलर्स की अगर बात करें तो व्हाइट कलर में, ब्लैक कलर में, ग्रीन कलर में, तीन कलर्स में आपको स्मार्टफोन मिलता है। दिखने में स्मार्टफोन गुड लुकिंग है, लिटरली गुड लुकिंग स्मार्टफोन है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बिल्ड एंड डिजाइन में आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में, 6.78 इंचेस का बड़ा सारा डिस्प्ले यहां पर आपको मिलेगा। मतलब कंटेंट वॉचिंग में तो भाई साहब आपको मजा आएगा, लेकिन सिंगल हैंड यूसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा भाई। मतलब सिंगल हैंड यूसेज में आपको फोन बल्कि रखेगा, एक हाथ से आप यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंटेंट वॉचिंग में मजा आएगा। 6.78 इंचेस का जो डिस्प्ले है वहां पर आपको फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ में AMOLED पैनल दिया जाएगा। मतलब कलर्स वगैरह आपको बढ़िया मिलने वाले हैं, व्यूइंग एंगल्स बढ़िया रहेंगे, साथ ही साथ 20:9 का एस्पेक्ट रेशो रहेगा, 393 PPI की पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, प्लस वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। तो Amazon Netflix पर आप HD में कंटेंट भी रगड़ पाएंगे। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी आपको बढ़िया मिलने वाली है, सुपर ब्राइट डिस्प्ले रहेगा, विजिबिलिटी का इशू आपको नहीं रहेगा, एंड साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का सुपर स्मूथ डिस्प्ले भी यहां पर आपको दिया जाएगा। सो आई डोंट थिंक डिस्प्ले में आपको शिकायत आएगी, डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया मिलने वाली है। बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फोन को शक्ति प्रदान करेगा MediaTek की तरफ से आने वाला MediaTek Dimensity 7020 चिपसेट। अब ये जो चिपसेट है MediaTek Dimensity 930 का रिफ्रेश्ड वर्जन आप बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलते हैं। सिमिलर चिपसेट है, लेकिन अच्छा चिपसेट है, डिसेंट चिपसेट है भाई। 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है, एनर्जी एफिशिएंट है, हीटिंग का इशू कम देता है, थर्मल मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा। एंड थर्मल मैनेजमेंट को और बेटर बनाने के लिए यहां पर आपको कूलिंग चेंबर भी दिया जाएगा, तो हीटिंग वगैरह का इशू तो यहां पर आपको नहीं मिलेगा। रॉ सीपीयू परफॉर्मेंस की बात करेंगे, 2.2 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड आपको मिलती है, A78 वाले कोर्स आपको मिलते हैं, तो डे टू डे की परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग आपकी बढ़िया तरीके से हो जाएगी, वहां आपको शिकायत नहीं आएगी। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए IMG BXM8256 GPU दिया गया है, जो कि डिसेंट गेमिंग भी आपको करा देगा, तो वहां भी आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। LPDDR4X RAM रहेगा, UFS 2.2 वाला स्टोरेज मिलेगा। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, परफॉर्मेंस आपको डिसेंट मिलेगी, परफॉर्मेंस में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे कैमरास के बारे में, तो तीन कैमरास का सेटअप आपको पीछे की तरफ मिलेगा, जहां पर प्राइमरी कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल्स का, एंड यहां पर आपको OIS का सपोर्ट भी दिया जाएगा। साथ ही साथ दो दो मेगापिक्सल्स के दो छोटू मिलेंगे, जो कि कोई काम नहीं आने वाले हैं। काम का केवल 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा रहेगा, जहां पर आपको OIS का सपोर्ट मिलेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन रेयर कैमरा से आप मात्र 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर, तो रेयर कैमरा सेटअप अच्छा तो है, लेकिन स्टिल फोटोग्राफी के लिए अच्छा है, वीडियो कैपेबिलिटीज उतनी बेटर आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन सेल्फी कैमरा की अगर बात करें, तो यहां पर आपको 50 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा भी दिया जाएगा, एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 fps पर। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि डुअल 50 मेगापिक्सल्स का कैमरा यहां पर आपको मिलता है, बाकी जो लेंसेज दिए गए हैं वो तो फालतू में लगाए गए हैं भाई। ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल देखा जाए, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से डिसेंट कैमरा मॉड्यूल यहां पर आपको मिलेगा।
बात करेंगे बैटरी के बारे में। बैटरी मॉड्यूल अच्छा दिया गया भाई, 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है, 6 नैनोमीटर का एनर्जी एफिशिएंट चिपसेट है, एमोलेड का डिस्प्ले है, 5000 एमएएच की बैटरी है, मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा है, बैकअप आपको अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ 70 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा एंड 70 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर भी दिया जाएगा। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल बढ़िया है, बैटरी का साइज अच्छा है, बैकअप आपको अच्छा मिलेगा, चार्जिंग स्पीड अच्छी है, चार्जर इनबॉक्स है, सो मेरे हिसाब से बैटरी मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आएगी। चार्ज करने के लिए यूएसबी टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, लेकिन 3.5 mm जैक यहां पर नहीं दिया जाएगा। अब ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि 15 से 20,000 के अंदर आने वाले फोन में अगर 3.5 mm जैक नहीं होता है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहता है भाई। सो यस, ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। बाकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करेंगे तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिलेगा, छूटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिलेंगे, साथ ही साथ आईआर ब्लास्टर भी यहां पर आपको दिया जाएगा, तो सेंसर्स वगैरह में आपको कमी नहीं मिलेगी। बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, एंड्रॉइड 14 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन यहां पर आपको मिलेगा, उसी के साथ में आपको मिलेगा हाई ओएस 14। अब हाई ओएस में दिक्कत यह है कि ब्लोटवेयर्स बहुत सारे रहते हैं, एड्स बहुत सारे रहते हैं, लेकिन फीचर्स भी आपको बहुत सारे मिलते हैं। सो यस, अगर आप ब्लोटवेयर्स एंड एड्स से काम चला सकते हैं तो फीचर रिच यूआई आपको मिलेगा, सॉफ्टवेयर में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। अपडेट्स की अगर बात करें तो प्रोबेबली 2+3 ईयर्स के अपडेट्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो अपडेट वाइज भी बढ़िया फोन रहने वाला है। बात करेंगे स्पीकर्स के बारे में, तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर आपको मिलेंगे, डेडिकेटेड स्पीकर ग्रिल आपको ऊपर की तरफ दी गई है एंड यहां पर आपको डॉल्बी एटमॉस की ट्यूनिंग भी देखने के लिए मिलेगी, मतलब ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी रहने वाली है भाई, लाउड रहेगी, बैलेंस रहेगी एंड ओवरऑल कॉन्टेंट वॉचिंग में मजा आएगा, मीडिया कंजप्शन में मजा आएगा, क्योंकि डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्पीकर क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस तो आपको बढ़िया रहेगा ही सरी। एंड कार्ड स्लॉट की अगर बात करें तो प्रोबेबली हाइब्रिड कार्ड स्लॉट यहां पर आपको मिलेगा, जहां पर या तो दो सिम लगा पाएंगे या फिर एक सिम निकाल करके आप मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे। ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन देखे जाए तो स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं भाई, बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, परफॉर्मेंस डिसेंट है, कैमरास डिसेंट है, बैटरी मॉड्यूल अच्छा है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, लगभग सारी चीजें आपको इस फोन में मिल जाती है। बात करेंगे वेरिएंट्स के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है 3 वेरिएंट्स में आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। बेस वेरिएंट रहेगा 8GB+256GB, साथ ही में 8GB+512GB एंड 12GB+512GB, 3 वेरिएंट्स में ये जो स्मार्टफोन है आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं कि ये जो स्मार्टफोन है 17,000 से 18,000 के प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। अब 17,000-18,000 के प्राइस पॉइंट पर आई वुड से एक डिसेंट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इससे बेटर प्रोसेसर के साथ में Realme P1 एंड Realme Narzo 70 आई थिंक हमको 15,000 के आसपास मिल जाते हैं। तो ये स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7020 के साथ में अगर 16-17,000 के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है, आई वुड से एक डिसेंट चॉइस रहेगी। लेकिन अगर प्राइस पॉइंट एग्रेसिव रखा जाता है, 15,000 के आसपास आता है, देन आई वुड से कि फोन बहुत अच्छा है। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके क्या विचार हैं इस फोन के बारे में, कैसा है स्मार्टफोन, कैसे स्पेसिफिकेशंस, क्या ये स्मार्टफोन आप खरीदना पसंद करेंगे एंड खरीदना पसंद करेंगे तो किस प्राइस पॉइंट पर खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन जरूर से सेलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।